ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। जिहड़े प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, पेंशन योजना, जनधन खाते जिहड़े 40 करोड़ के लगभग साड़ियां सरकारी बैंकों ने खोलिया ने, जे इहदा कंपैरिजन करिए प्राइवेट बैंकों के नाल उत्ते सिर्फ 1 करोड़ खाता खुलिया। केंद्र सरकार वालों सरकारी बैंकों का निजीकरण करन खिलाफ देश के सब तो वड्डी बैंक कर्मचारी संस्था यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस ने सोमवार अते मंगलवार दो दिन देशव्यापी हड़ताल का सद्दा दिता है। फोरम विच देश की सरकारी बैंक मुलाजमां ते अफसरां दे 9 संगठन शामिल हैं। इस दे तहत फगवाड़ा दीआं सरकारी बैंकां दे कर्मचारियों ने भी हड़ताल की। समूह बैंक कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुरु हरगोबिंद नगर फगवाड़ा के बार इकट्ठे हुए, जिथे कि उन्हां केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की। जिक्रयोग है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट विच ऐलान किया सी कि दो सरकारी बैंकां ते एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। इस तो पहला IDBI बैंक नूं वेचण दा काम चल रहा है, जबकि जीवन बीमा निगम विच हिस्सेदारी वेचण दा ऐलान पिछले साल ही बजट विच हो चुका है। इस मौके बैंक मुलाजमान ने कहा कि जो सरकारी बैंकों नूं मजबूत करके अर्थचारे च तेजी लियाउण दी जिम्मेवारी सौंपण दी लोड़ है तो सरकार उल्टे राह चल रही है। समूह यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकर यूनियन वालों सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरगोबिंद नगर की ब्रांच के बाहर इकट्ठे हुए हैं सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन करने लिए। 15 से 16 तरीक की मार्च की जी असी स्ट्राइक रखी है वो अज असी शुरुआत की है सवेरे। असी चाहते हैं मोदी सरकार तक साड़ी आवाज जाए, उन्हें पता लगे कि बैंकर जिन्हें भी है उन्होंने प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं हैगी। सानू निजीकरण बिल्कुल नहीं चाहिए। निजीकरण करन दा जिहड़ा फैसला सरकार ने लिया उन्हें जल्दी तो जल्दी वापस लिया जाए। अज असी जिनी गिनती च हाँ असी इस तो वध गिनती च इकट्ठे होवांगे। कल साडा जिहड़ा एजिटेशन का प्रोग्राम है जीटी रोड PNB के बाहर हैगा। असी चाहते हाँ पुरजोर मंग करते हैं सरकार सामने साडी आवाज़ नूं सुनो। बैंकर असी इदा नहीं है भी एसी च बह के असी काम कर लिए तो खत्म। असी रोड पर जा सकते हैं, असी सारे शहर च एजिटेशन कढ़िया रोड मार्च किया। जे साडी मंग नहीं मन्नी गई असी होर वधावांगे इस एजिटेशन नूं, जिन्ने हैगे आ इस तों भी होर असी वध चढ़ के असी एजिटेशन का प्रोग्राम करांगे। इहदे नाल ही मैं लास्ट ते फिर यही कहूँगा साडी बैंकर यूनियन जिंदाबाद सी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहूगी। सरकारी बैंक जीरो बैलेंस से सेविंग अकाउंट्स खोल देते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक सेविंग अकाउंट भी महंगा खोलते हैं। उन्हां निजीकरण करके ग्राहकों के नुकसान नूं देखते हुए केंद्र सरकार पासों सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला वापस लैण दी मांग कीती। मैं दसना चाहना कि साड़ियाँ जी सरकारी बैंक हैगी इस जीरो बैलेंस तो लैके 2000 रुपए तक एक सेविंग अकाउंट खुलता है, जदों कि प्राइवेट बैंकों की गल करिए उत्थे 1000 तो लैके 20000 रुपए तक। ईवन एक बैंक मैं प्राइवेट बैंक का नाम नहीं लेना चाहता, उस बैंक का 25000 रुपए का सेविंग अकाउंट खुलता। साड़ी जी आबादी 80 करोड़ के लगभग आबादी ये साड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद मानती है कि उन्होंने PDS के थ्रू असी राशन कार्ड राशन दें असी, तो इदा की आबादी लिए साड़िया सरकारी बैंक जगिया उही है ने। प्राइवेट बैंक जाने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जेडे प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, पेंशन योजना, जनधन खाते जेडे 40 करोड़ के लगभग साड़िया सरकारी बैंक ने खोलिया ने, जे यदा कंपैरिजन करिए प्राइवेट बैंकों के नाल उत्ते सिर्फ 1 करोड़ खाता खुलिया। असी रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, बेतवा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने इस फैसले को वापस लवे।